दोस्तों आज की इस वीडियो की तरफ बात करने वाले बीसीसीआई वर्सेस पीसीसी के बीच में होने वाले आज के चौथे ईसीएस टी20 मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितने ओवर बॉलिंग करके देने वाला है, इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, 2 से 3 आपके लिए कौन से रिस्की प्लेयर होंगे जो कि आपको इस मैच में जीएल में पैसे कमाने में मदद करके दे पाएंगे, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है, सभी चीजों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज का ध्यान देना है, ये जो भी मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा ये हमारे एनालिसिस बेस के 11 प्लेयर्स की टीम होगी। मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेले तो लाइनअप आने का जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं इसी तरीके स्क्रीनशॉट के जरिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहां पे ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी, आसान भी, एकदम फ्री भी रहने लाए। आगे नाला कोई भी मैच चाहे वो 10 ओवर का या 20 ओवर का, जिसमें भी मैं अपने पैसे लगाऊंगा उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पर भेज दूंगा। हमारे चैनल को आपको ज्वाइन होने के लिए करना कुछ भी नहीं, आप अभी हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी के टाइटल का आप जैसे ही क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, सबसे ऊपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो फ्री यहां से फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहले यहां पे वेन्यू को देखिए, जो मैच होने वाला है आपको प्रेग के स्टेडियम का होगा, 100 रन के करीब का यहां पे एवरेज स्कोर है, यानी कि कहीं ना कहीं हाई स्कोरिंग गेम होगा, आपको बल्लेबाजों को फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करना है। सबसे पहले प्रेग सीसी की टीम की बात करूं, जिन्होंने इस सीजन में अपने 2 मैचेस खेल लिए हैं जिनमें इनके सबसे मेन प्लेयर है नईम लला। पहले मैच में इसने बल्लेबाजी बॉलिंग दोनों चीज से अच्छा किया, दूसरे मैच में भी सेम वही बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज से अच्छा किया हुआ है, यानी कि नईम लला इनकी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है। बल्लेबाजी में भी इस समय ओपनर आ रहा है, इसके साथ एक काती वाला आ रहा है, तीसरे पे तोसो थॉमस आ रहा है, नंबर 4 पे सुदेश विक्रमासेकर आएगा, नंबर 5 पे ऋतिक तोमर आएगा, नंबर 6 पे दविजी आएगा, नंबर 7 पे एफ नूरी आएगा, नंबर 8 पे एस गार्नेक आएगा, 9वें नंबर पे आर नूरी आएगा, 10वें पे एन पद्मराजू आएगा, 11वें पे यहाँ पे डी रमानी आने वाला। ये इनका पॉसिबल प्लेइंग 11 रहना चाहिए, जिसमें इनके मेन बॉलर्स का नाम है एन पद्मराजू जो कि हर मैच में 2 ओवर पूरा करेगा, ऋतिक तोमर जो कि हर मैच में 2 ओवर पूरा करेगा, नईम लला जो कि आपको 1 से 2 ओवर पूरा करेगा। ये 3 इनके मेन बॉलर्स हैं। इसके अलावा दविजी ने इस सीजन के पहले मैच में 1 भी ओवर नहीं किया, दूसरे मैच में 1 ओवर किया। एफ नूरी ने पहले मैच में 1 भी ओवर नहीं किया, दूसरे मैच में 2 ओवर किया। आर नूरी ने पहले मैच में 1 भी ओवर नहीं किया, दूसरे वाले मैच में 2 ओवर किया। डी रमानी ने पहले में 2 ओवर किया, दूसरे में 1 ओवर किया हुआ है, यानी कि इनके मेन बॉलर नईम लला हो गया, ऋतिक तोमर हो गया, उसके अलावा यहाँ से एन पद्मराजू हो गया, डी रमानी हो गई, ये जो 4 बॉलर है ना इनका मिला करके आपको 7 ओवर करीब बॉलिंग देखने को मिलेगा। बाकी बच्चों जो 3 ओवर होंगे उसके लिए आपको सुदेश विक्रमासेकर फेंक सकता है, एस दविजी फेंक सकता है, एफ नूरी फेंक सकता है, आर नूरी फेंक सकता है, ये 4 बॉलर्स का मिलाकर के आपको 3 ओवर के करीब बॉलिंग देखने को मिल पाएगा। सुदेश विक्रमासेकर जो कि इस समय प्रेग सीसी की टीम ओर से लीडरशिप कर रहा है, पहले वाले मैच में इसने ना बल्लेबाजी खिलाया और ना इसने 1 भी ओवर बॉलिंग किया हुआ है, लेकिन आगे जब नईम लला फ्लॉप होगा ना बल्लेबाजी से, दोनों मैच में काफी लंबा खेला हुआ है, आदित्य खातीवाड़ा ने भी काफी लंबा खेला हुआ है, तो जब ये दोनों में से कोई फ्लॉप होगा ना तो सुदेश विक्रमासेकर वहां पे बल्लेबाजी खिलाएगा और लंबा खेलेगा, 70-80 रन भी बना सकता है, काफी अच्छा प्लेयर है। वहीं सामने अगर मैं विनोद रेड्डी टीम की बात करूं, यानी कि बीसीसीआई की टीम की बात करूं, जिनमें बल्लेबाजी में देखो शोभित भाटिया जो कि सीजन का पहला मैच खेल रहा है 10 ओवर के लेवल का, 19 मैच 127 रन बनाया हुआ है, और उसके अलावा वोलेक की बात करें 3 मैच में 68 रन, डोमेस्टिक लेवल का 10 ओवर के लेवल का कोई मैच नहीं खेला हुआ है, ए बाबू ने भी 8 मैच में सिर्फ 99 रन बनाया हुआ है, एम यहाँ से तालावैया ने भी 4 मैच में 1 भी रन नहीं बनाया हुआ है, यहाँ से ऐसे रक्षित ने भी 6 मैच में 25 रन बनाया, लेकिन 25 रन तो बनाए लेकिन मेनली बॉलिंग किया, 6 मैच में बॉलिंग कर रखा है जहां भी इसको 3 विकेट मिला हुआ है। उसके अलावा यहाँ से ये कोई इतना अच्छा प्लेयर है नहीं बल्लेबाजी में काफी अच्छा, अगर मान लो कि पवन जसवाल डोमेस्टिक लेवल का तो काफी अच्छी बल्लेबाजी करके आया हुआ, अगर मान लो कि इसको प्लेइंग 11 में खिलाया जाए और अगर इसको शो किया जाए कि ये ओपनर आ रहा है तो आप लेकर के चलना, लेकिन अगर ये बल्लेबाजी में नीचे आ रहा है तो किसी भी काम का प्लेयर नहीं है। एम लोन बिल्कुल भी किसी काम का प्लेयर नहीं है, 4 मैच में 19 रन, अनिल सैनी ने भी 3 मैच में सिर्फ 1 ही रन बनाया, बॉलिंग से भी 3 में से 2 ही मैच में बॉलिंग किया हुआ है, एस देलतन ने भी 4 मैचेस में 42 रन, नबील मोहम्मद ने 7 मैचेस में सिर्फ 83 रन बनाया, वो भी डोमेस्टिक लेवल कोई भी अच्छा प्लेयर है नहीं, यहाँ से सिर्फ 2 ही प्लेयर मुझे ऐसे नजर आए जिनको आपको मन है आप लेकर के चल सकते हो। पहला नाम है यहाँ से देखने मिलेगा शोभित भाटिया का, दूसरा नाम है एस रक्षित का और तीसरा नाम है पी यहाँ से जसवाल का। ये तीनों प्लेयर्स में से जो जो आपको प्लेइंग 11 में नजर आएगा ना आप उनके ऊपर फोकस करके चलना, मुझे लगता है कि तीनों में से कोई 2 ही खेलेगा। यहाँ से एम अदनान
सेवन मैच में 173 रन भी बनाए हुआ है और हर मैच में इसने बॉलिंग किया हुआ है। अगर मोहम्मद अदनान डोमेस्टिक लेवल के ऊपर तो काफी अच्छा किया हुआ, अगर इसको प्लेइंग 11 में खिलाया जा रहा है आप इसके ऊपर ध्यान दे करके चलना। ए हायत ने 10 ओवर के लेवल में 17 मैच में 97 रन बनाया हुआ, 16 मैच में बॉलिंग करके इसको 25 विकेट मिला हुआ है, यानी कि अभी तक का मैंने जो 12 प्लेयर्स देखे ना उनमें सबसे अच्छे प्लेयर का नाम है अरशद हायत। अगर इसको प्लेइंग 11 में खिलाया जा रहा है आपको बिना कुछ भी सोचे लेकर के चलना है। सी तेब की बात करूं 5 मैचेस में इसने 46 रन बनाए हुआ है और 5ों मैच में बॉलिंग किया है, विकेट भले ही एक ही मिला है लेकिन 5ों मैच में बॉलिंग किया हुआ है, तो सी तेब को भी आप लेकर के चल सकते हो। ई वॉकर ने 2 मैच में 15 रन, कोई अच्छा प्लेयर नहीं है। सिद्धार्थ गाउद ने भी 28 मैच में 417 रन और बॉलिंग से भी इसने काफी अच्छा किया हुआ है, यानी कि सिद्धार्थ गाउद भी काफी अच्छा प्लेयर अगर इसको खिलाया जा रहा है। जे कूप कोई इतना अच्छा प्लेयर है नहीं, मेनली बॉलर, 7 मैचेस में हर मैच में बॉलिंग कर रखा है जहां पे 4 विकेट मिला हुआ है। ओम शर्मा ने 12 मैच में 12 मैच में बॉलिंग करके 8 विकेट लिया हुआ है। एस चौधरी ने 19 मैचेस में 1900 मैच में बॉलिंग किया हुआ जहां पे इसको 14 विकेट मिला हुआ है, यानी कि ये तीन इनके मेन बॉलर्स रह सकते हैं। ये जो तीन बॉलर्स है ना, तीनों मेन बॉलर, तीन के स्पेशलिस्ट बॉलर, ये तीनों अगर कोई भी खेल रहा है ना, ये तीनों में से कोई भी खेल रहा है तो 2 ओवर पूरा करेगा, ये चीज को आपको ध्यान दे करके चलना है। कोई भी खेल रहा है 2 ओवर पूरा करेगा। उसके अलावा यहाँ से बी, यहाँ से सौजित की बात करो 3 मैच में 2 ही मैच में बॉलिंग किया हुआ जहाँ भी 2 विकेट भी मिला हुआ है, कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। वी मर्गेसन ने 24 मैच में 92 रन बनाया हुआ है जहाँ पे बॉलिंग से भी कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ से अगर मैं अच्छे प्लेयर की बात करूँ, मुझे लगता है ये हायत एक अच्छा प्लेयर है, मोहम्मद अदनान एक अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा अगर आपका मन है आप यहाँ से सी तेब हो गया, एस गाउद हो गया, जे कोप हो गया, उमर, यहाँ से ओम शर्मा हो गया, एस चौधरी हो गया, ये जो 5 प्लेयर है इनमें से जो जो आपको प्लेइंग 11 में नजर आए उनके ऊपर आप रोटेशन करके चलना। ये जो 5 प्लेयर है इनमें से मुझे लगता है कि कोई 2 या फिर कोई 3 ही प्लेयर खेलेगा, जो भी खेलेगा उनमें से आपको किसी एक या फिर किसी 2 को लेकर के चलना होगा। यहां से मैं सबसे पहले यहां से तन्मय कुंतेना, 2 मैच कोई इतना अच्छा बॉलिंग किया नहीं है। जे जैकब ने भी कोई इतना 6 मैच से 5 में मैच में बॉलिंग करके 3 ही विकेट लिया हुआ है, बाकी यहां से कोई भी इतना अच्छा प्लेयर नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक है प्लेयर जिसका नाम है अब्दुल मुइज, अगर इसने खेलेगा ना तो डोमेस्टिक लेवल का 7 मैच में 154 रन भी बनाया हुआ है, जहां पर इसने बॉलिंग से हर मैच में बॉलिंग कर रखा है, 9 विकेट भी मिला हुआ है। यहां से एक ही अच्छा प्लेयर है जिसका नाम है अब्दुल मुइज, अगर इसको पॉसिबल प्लेइंग 11 में खिलाया जा रहा आप लेकर के चल सकते हो। मैं अपने फैंटेसी टीम में कौन से 11 प्लेयर्स को लेकर के चलने वाला हूँ, सीधे सीधे ऐप पर चलते हैं, मैं अपनी टीम आपको बना करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ से आपके लिए कोई भी इतना अच्छा प्लेयर है नहीं, तो शोभित भाटिया को मजबूरी में लेकर के चलने वाला हूँ। यहाँ से सबसे पहले लेकर के चलूंगा जिसका नाम एक खाती वाला हो गया, उसके अलावा यहाँ से तोजो थॉमस खेल रहा है बल्लेबाज में, तीसरे पे आएगा मोहम्मद अदनान, अगर ये खेलेगा ना तो इसको लेकर के चलूंगा कन्फर्म, क्योंकि इसका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। उसके अलावा पी जसवाल, अगर ये भी खेलेगा ना तो इसको भी लेकर के चलूंगा कन्फर्म। ये दोनों में से मुझे लगता है कि कोई एक ही खेलेगा और जो भी खेलेगा मैं उसको लेकर के चलूंगा कन्फर्म। उसके अलावा अगर आपका मन है तो आप रक्षित को ले सकते हो, एम तावलिया को लेकर के चल सकते हो, ये दोनों में से कोई एक कमाल का परफॉर्मेंस करके देगा। ये दोनों जो है मेनली बॉलर ही है, बल्लेबाजी में थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो अगर मान लो कि ये दोनों में से कोई बल्लेबाज ना खेल रहा हो ना तो अगले ये दोनों में से जो भी खेल रहा होगा मैं उसको लेकर के चलूंगा। यहाँ से हायत हो गया, ऋतिक तोमर हो गया, एस दविजी हो गया, एस विक्रमशेखर और यहाँ से एन लला हो गया, ये चारों प्लेयर्स को मैं लेकर के चल रहा हूँ। अब आपको सोचना एक चीज है, आपको एस दविजी और एस विक्रमशेखर ये दोनों में से किसी एक को लेकर के चलना है। सुदेश जो है लीडरशिप कर रहा है, वही दविजी ने आखिरी वाले मैच में 1 ओवर बॉलिंग किया हुआ, मैं अभी यहाँ से सुदेश विक्रमशेखर को लेकर के चलने वाला हूँ। बाकी यहाँ से एफ नूरी ने भी आखिरी वाले मैच में अच्छा किया हुआ है, एफ नूरी को भी आखिरी वाले मैच में 2 ओवर बॉलिंग पूरा मिल गया जहां इसको 2 विकेट भी मिले हुए हैं। उसके अलावा यहां से बॉलिंग ऑप्शन है सबसे पहले लेकर के चलूंगा जिसका नाम पद्मराजू हो गया, उसका दी रमानी एक अच्छा प्लेयर है, अगर आपका मन आप आर नूरी को ले सकते हो लेकिन मौका मिल ही नहीं रहा है। रोहित देशमौनी को अगर प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा तो मैं कंफर्म इसको लेकर के चलूंगा, लेकिन आखिरी वाले मैच में इसको खिलाया नहीं गया। अभी मैं ऐसे ए मुइस को लेकर के चलने का सोच रहा हूं, ये अभी के लिए मैंने टीम बनाई हुई है। अगर आपका मन है, अगर मान लो कि ये मुइस को प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया जा रहा है ना, अगर मान लो कि इसको नहीं खिलाया जा रहा है तो मैं यहाँ से लेकर के चलूंगा एस चौधरी को। अभी के लिए मैं इस तरीके की टीम बना करके चलने वाला हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप मान लो किसी ऐसे ऐप का खेल रहे हो जहाँ पे आप 5 ऑलराउंडर्स को भी लेकर के चल पा रहे हो, वहाँ पे दी रमानी को निकालना, उसके लिए एस चौधरी को निकालना, एफ नूरी को लेकर के चलना, और यहाँ से अगर आपका मन है तो दविजी को भी आप लेकर के चल सकते हो। इस तरीके की टीम बना करके अपने पैसे लगा सकते हो। अगर
अगर आपका मन है तो दविजी और विक्रमासेकरा में से किसी एक ही को लेकर के चलना, और यहाँ से आप सी तेब हो गया, और सी तेब और यहाँ से एस गौद, ये दोनों में से किसी एक को आप लेकर के चल सकते हो। कैप वीसी के लिए मैं कैप नईम लला को लेकर के चलूंगा, वीसी ऋतिक तोमर को बना करके चलूंगा। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, फाइनल टीम जो भी होगी वो मैं आखिरी के 5 मिनट में इसी तरीके से स्क्रीन शॉट के जरिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन बॉक्स से सबसे पिन किया हुआ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, एक काम कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।